नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024, जी हां, 7 मई को तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। लेकिन अभी तक अपर्णा यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, उनको बीजेपी ने कहीं से टिकट नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं, अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है और अखिलेश यादव की छोटी भाई की पत्नी है। मतलब सीधा सीधा निकलता है कि अपर्णा यादव का जो परिवार है वो अखिलेश यादव का ही परिवार है अभी तक। लेकिन अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में शामिल है। मतलब बीजेपी ने एक बार भी अपर्णा यादव को कोई मौका नहीं दिया। 2019 से वो शामिल हो रखी है, ना उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव लड़वाया, ना 2024 में कहीं से टिकट दिया, ना आगे कोई आसार नजर आते हैं अभी तक। मतलब कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद बावजूद भी अपर्णा यादव आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। अब ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव अपर्णा यादव को इनवाइट करेंगे, मतलब कि न्योता देंगे आने के लिए। मतलब मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव देखिए चाहते तो हैं कि अपर्णा यादव आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की छोटी बहू जाकर विपक्ष में बैठी है। परिवार की छोटी बहू विपक्ष में पूरी तरह से शामिल है, उनकी बातें कर रही है, उनके बोल बोल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बुरा लगता है। सच बताएं तो देखिए, नेता भी इंसान ही होते हैं, उन्हें भी दिल होता है, उन्हें भी इस चीज़ का दुख होता है कि उनके परिवार का व्यक्ति जाकर विपक्ष में बैठा है। तो अखिलेश यादव चाहते तो हैं कि अपर्णा यादव आकर शामिल हो जाए, लेकिन जो भी कारण है, कुछ बातें हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठकर परिवार में सुलझा नहीं पा रहे। अब देखिए, अपर्णा यादव से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप मैनपुरी से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन अपर्णा यादव के बस संस्कार थे कि अपर्णा यादव ने मना कर दिया कि मैं अपनी जेठानी डिंपल यादव के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ूंगी। मतलब अपर्णा यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया। अब समाजवादी पार्टी ने इस चीज़ की तारीफ करी, मतलब कि शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी बहू के संस्कार इतने अच्छे हैं, वो आकर हमारे परिवार के विरुद्ध खड़ी नहीं। अब अखिलेश यादव चाहते तो हैं कि आकर अपर्णा शामिल हो जाए, लेकिन अपर्णा आने नहीं, कुछ रीज़न है। क्या पता भारतीय जनता पार्टी ने क्या लालच दे रखा है, क्या पता भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें चुनाव लड़ा दे। अब मैं आपको बता दूं, अपर्णा यादव के चाहते हैं, दरअसल अपर्णा यादव ने एक बयान दिया था कि अपर्णा यादव चाहती हैं कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी के अगेंस्ट चुनाव लड़े, मतलब कि प्रियंका गांधी के अगेंस्ट चुनाव लड़कर वो प्रियंका गांधी को हराना चाहती है। लेकिन बीजेपी उन्हें वहां से भी टिकट नहीं दे रही है। बीजेपी रायबरेली से लड़ाना किसको चाहती है? वरुण गांधी को। जी हाँ, वरुण गांधी गांधी परिवार के बेटे हैं। अब मतलब बीजेपी ने सोच रखा है कि परिवार को भिड़ाना है। मैनपुरी से चाहते थे कि जाकर अपर्णा को भिड़ा दें, अब रायबरेली से चाहते हैं कि वरुण गांधी को भिड़ा दें। कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी राजनीति है। लेकिन देखो, बड़ा दिलचस्प होगा, क्या अभी भी अपर्णा यादव के पास समय है? क्या अभी भी अपर्णा यादव कोई डिसीजन लेती है कि जाकर अपर्णा यादव अभी भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनती है नहीं, घर वापसी होती है नहीं? बड़ा दिलचस्प मुकाबला है इस बार 2024 में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।